वी आर गोइंग टू स्टार्ट इक्विलिब्रियम चैप्टर। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, देखो बड़ा प्यार से लिखा है मैंने, सबसे आसान चैप्टर। देखो अगर मैं आपको बोलूँ इस चैप्टर को कैसे तैयार करना है, तो एक ही तरीका है इस चैप्टर को तैयार करने का कि आप ये वाली थ्योरी पढ़ो और कुछ भी नहीं। अगर आपके पास पुराना नोट्स है तो एक बार रिवाइज कर सकते हो, लेकिन जो मैं आज कराऊंगा इससे ज़्यादा पेपर में ना आया है ना आएगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं, सिर्फ ओनली एग्जाम्पल्स और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब कहानी की स्टार्ट करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम, क्या नाम है? बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है पर सबसे आसान चैप्टर यही लगता है मेरे को, ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें। अच्छा इक्विलिब्रियम को समझना छोटी सी बात है। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब समझो, देखो फिजिक्स से समझते हैं, फिजिक्स से। फिजिक्स में कहते हैं कि मान लो एक बॉक्स है, क्या एक बॉक्स, उस बॉक्स पे ऊपर से फोर्स लगा तो नीचे से भी लगा, इधर से लगा और इधर से भी लगा। जब ये वाला फोर्स आपस में इक्वल हो जाए, मान लो ये F1 था, ये दोनों इक्वल हो जाए, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल, तो ये बॉक्स होगा इक्विलिब्रियम में, क्या होगा? अच्छा बॉक्स इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है? टोटल फोर्स जीरो होना, टोटल फोर्स जीरो। तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, क्या फोर्स लग रहा है? तो आंसर इज यस, पर फिर भी इक्विलिब्रियम में, फिर भी हिलडुल नहीं हो रहा है, नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स क्या है? टोटल फोर्स जीरो होता है तो उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? तो केमिस्ट्री की भाषा में इक्विलिब्रियम क्या कब होगा, मतलब यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स जीरो है तो ये इक्विलिब्रियम है। केमिस्ट्री की भाषा में इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बताओ, यहां पर कोई चेंज नजर आ रहा है? चेंज यहां पर कोई चेंज नजर आ रहा है? नहीं। चेंज किसमें नजर नहीं आएगा? पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। क्या कोई चेंज नजर आ रहा है आपको? नहीं। फिजिक्स की भाषा में जब पोजीशन चेंज ना हो, वेलोसिटी चेंज ना हो, एक्सेलरेशन चेंज ना हो, डिस्प्लेसमेंट चेंज ना हो, तब हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री की भाषा में हम क्या बोलते हैं कि जब व्हेन ऑल द पैरामीटर्स ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंजेस विद टाइम। मतलब क्या है? मतलब यह है अगर किसी रिएक्शन में, अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर में बदलाव दिखाई ना दे, प्रेशर में बदलाव दिखाई ना दे, उसके अमाउंट में बदलाव दिखाई ना दे, तो आप बोलोगे इक्विलिब्रियम। क्या बोलोगे? वो रिएक्शन चल रहा है, चलने दो, वो रिएक्शन चल रहा है, चलने दो, लेकिन आपको कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा। मैंने बोला कि देखो इधर सी का ब्लू कलर है, क्या है? ब्लू, तो जीवन भर ब्लू ही रहेगा, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। हमने कहा ए का रेड कलर है, तो जीवन भर क्या रहेगा? रेड, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। भले ही रिएक्शन आगे जा रहा है, भले ही रिएक्शन आगे जा रहा है, तो ऐसा हो रहा होगा जितना आगे जा रहा है उतना ही पीछे आ रहा है, तब इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? मतलब जितना फोर्स इस तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो हमें चेंज नजर नहीं आ रहा है। मान लो इसने रेड कलर आगे भेजा तो सी वाले ने लौटा दिया, इक्विलिब्रियम। जैसे उस वाले केस में होता फिजिक्स में, एक फोर्स इधर तो एक फोर्स इधर, बात समझ पा रहे हो? जितना अमाउंट उधर जा रहा है उतना ही अमाउंट इधर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ में आ गया? तो इक्विलिब्रियम किसे बोलेंगे? जब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी समय के साथ चेंज ना हो केमिस्ट्री के अंदर, और फिजिक्स में जब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट चेंज ना हो समय के साथ, तो क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। अरे मेरे दोस्तों सुनो, इक्विलिब्रियम की अब जब डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, ऑफिशियल डेफिनेशन, तो क्या डेफिनेशन है वो पहले मैं लिखता हूँ, बाद में बात करेंगे, ठीक है? लिख के टाइम बचेगा, वीडियो की लेंथ कम होगी, फिर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। दोस्तों इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन तो कहते हैं देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड जब रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम आता है। मतलब क्या है? मैंने बोला ए से कोई पी बन रहा है, तो जितना ए इधर गया उतना ही पी ने लौटा दिया। मान लो ए का दो हिस्सा इधर गया, दो हिस्सा पी ने लौटा दिया, तो कभी भी ए में चेंज आएगा क्या? नहीं। मैंने दिया दो, उसने लौटा दिया दो, तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड आगे का, और रेट मतलब स्पीड ना, जिस स्पीड से रिएक्शन आगे जा रहा है उसी स्पीड से जब पीछे आए, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? क्या इक्विलिब्रियम रुका हुआ होता है, सोया हुआ होता है? नहीं, वो लगता है रुका है पर हमेशा चलता रहता है, रिएक्शन आगे भी जाता है पीछे भी, आगे भी पीछे भी, आगे भी पीछे भी, तो हमेशा होता है डायनेमिक। क्या होता है? स्टैटिक नहीं होता, डायनेमिक नेचर होता है, डायनेमिक। क्या बात समझ में आ गया? फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सुनो, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, किसकी बात करूं? इक्विलिब्रियम की, तो तीन तरह के होते हैं, फिजिकल, केमिकल, आयोनिक। फिजिकल वाला आपको ऊपर ऊपर से दिखता है, ऊपर से दिख जाता है कि ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल वाले में क्या है भाई? केमिकल वाले में अंदर से देखना पड़ता है, रिएक्शन के अंदर से, ठीक है। और आयोनिक में भी हमें अंदर से आयन्स के रूप में खेलना होता है, बहुत ऊपर की डेफिनेशन है। अब एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल क्या है? मैंने देखो पहले लिखा है फिजिकल का, इसमें क्या है? देखो आपने सुना होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होता है, लिक्विड भी होता है,
दोनों साथ में होते हैं, मतलब क्या है, जितना आइस पिघल रहा है उतना ही जम रहा है, जितना आइस पिघल रहा है उतना ही, इसीलिए लिक्विड भी मिलता है और आइस भी मिलता है, दोनों मिलते हैं इक्विलिब्रियम में, किसमें मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पूरा ही जम गया, ऐसा नहीं होता, जीरो पे ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, आधा जमा है तो आधा, मतलब थोड़ा जमा है तो थोड़ा सा सॉलिड है। अच्छा अगला देखो, अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या देखो, आपने केमिकल्स यूज़ करा N2 3H2, तो जितना अमोनिया बन रहा है उतना टूट भी रहा है, एरो आगे आ जाने वाला पीछे आने वाला, जितना ये बन रहा है अमोनिया NH3 बन रहा है उतना ही टूट के दोबारा ये बन रहा है, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। वैसे ही हो गया आयन्स के रूप में, देखो ये टूटा CH3COH टूट गया दोनों में, तो आगे गया टूट गया और पीछे आके जुड़ भी रहा है, तो कहलाएगा आयोनिक इक्विलिब्रियम, क्या कहलाएगा। तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम समझ लिया हमने, सबसे पहले फिजिकल वाली बात तो हो गई खत्म, फिजिकल का आएगा भी नहीं क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है फिर आयोनिक पढ़ना, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी केमिकल इक्विलिब्रियम। मेरे प्यारे प्यारे होनहार होनहार बच्चों ध्यान दो, सो मैंने कहा था हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए बात करते हैं, देखो इसमें केमिकल्स की बात करें, किसकी बात करेंगे, केमिकल्स की। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल देखना समझना, कभी भी इक्विलिब्रियम तुरंत नहीं मिलता, इक्विलिब्रियम कुछ समय बाद मिलता है, इक्विलिब्रियम कुछ समय, तो पहले क्या होता होगा समझना, ग्राफ की हेल्प से। मैंने कहा इस तरफ है मान लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, यहां पर है टाइम, यहां पर क्या है, मान लो मैंने N2 लिया एक बर्तन में, एक बर्तन में H2 लिया और दोनों को मिला दिया, मिलाने से अमोनिया बन रहा है, अमोनिया क्या एकदम से इक्विलिब्रियम आ जाएगा क्या, नहीं पहले बनेगा, अरे पहले तो कुछ था ही नहीं ना, इक्विलिब्रियम आ गया, डालते आ गया, नहीं पहले अमोनिया बना, अमोनिया बना, जब अमोनिया बन गया तो इसको लगा कि चलो अब इसको लौटाता भी हूं मैं, अब लौटाएगा तो इक्विलिब्रियम आएगा, यानी पहले क्या होगा आपका जो N2 है वो घटेगा, N2 घटेगा, H2 भी घटेगा, फिर एकदम से अमोनिया धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, क्या आ गया, यानी रिएक्टेंट घटते हैं, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट घटते हैं, प्रोडक्ट बढ़ता है, फिर स्ट्रेट मतलब कोई चेंज नहीं होगा, ना रिएक्टेंट घटे ना प्रोडक्ट बढ़े, जितना प्रोडक्ट बन रहा उतना ही घट रहा है, तो एकदम कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज। तो देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट, क्या आ गया, कांस्टेंट कंसंट्रेशन, कांस्टेंट कंसंट्रेशन, कांस्टेंट, घट के रुक गया, घट के रुक गया, अब घटेगा नहीं, ये भी घट के रुक गया, ये बढ़ के रुक गया, बढ़ेगा नहीं, तो इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम का ग्राफ। फटाफट लिख लो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है, फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, अब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल के लिए। देखो हमारे पास आया अगला टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ, तो कौन सा लॉ होता है देखो समझना, इसी को हम ऐसा ही बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। ये कहता क्या है देखो सुनो, ये बहुत सिंपल बात कहता है, ये कहता है देखो अगर हमारे पास कोई ऐसा है 3A 4B 5Q 9D और यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन है, मतलब इक्विलिब्रियम का साइन है, तो यहाँ पर आप एक कांस्टेंट निकाल सकते हो, कांस्टेंट वो पता कैसे आता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन है, Q D लिख दिया, रिएक्टेंट में है A और B, और जो भी उनके साथ मल्टीप्लाई में होगा वो उनकी पावर्स बन जाती, पावर्स, देखो 3 यहाँ पर 4 यहाँ, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इसकी डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला, डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। दूसरा अच्छा एनसीईआरटी में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, बस रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड करके बताते हैं, पर बात एक ही है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जीवन भर आपको याद होना चाहिए, पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या है, अगर किसी रिएक्शन को हम रिवर्स कर देंगे तो नया वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ना वो उल्टा हो जाएगा। देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा देखो ए से बी जा रहा था समझे, और मेरे को आंसर मिला इसका KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिला मेरे को 4, कितना मिला, अगर मैं कह रहा हूँ मैंने उल्टा कर दिया, मैंने बोला अगर बी से ए अगर रिएक्शन हो रहा होगा, बी से ए, तो जो नया वाला आएगा KN अब आ जाएगा 1/4, इसका उल्टा है, बात समझ में आ गया। अगला देखो, अगर रिएक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया तो जो नया वाला होगा पावर में चला जाएगा, समझाता हूँ मैं। देखो मैंने कहा देखो इस सेम क्वेश्चन में देखना, सेम क्वेश्चन में अभी क्या है KC है 4, मैंने कहा मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2A और यहाँ बन गया 2B, तो अब नया वाला KC कितना होगा, KN, नया वाला K कितना होगा, नया वाला KC कितना होगा, तो 4 की पावर 2, यानी जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं वो संख्या ऊपर पावर में आती है पुराने वाले के, तो पुराने वाले के पावर में 4 के पावर में आ गया। अच्छा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कभी भी सॉलिड लिक्विड दिखाई दे तो उनकी वैल्यू को 1 पुट किया जाता है, उनकी वैल्यू को, अभी मैं क्वेश्चन से बताऊंगा। अब तुम बोलोगे यहाँ पर सर ये सब क्या है, ये सब अमाउंट होता है, क्या होता है अमाउंट, ये सब मोलैरिटी हो सकता है, क्या हो सकता है मोलैरिटी, ये सब अमाउंट है, अमाउंट यानी इसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन। मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन मैंने बोला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा है, मैंने कहा देखो A+B ना C देते हैं और स्टेचोमेट्री है 2 है 4 है 9 है, ठीक है, और मैंने बोला कंसंट्रेशन ऑफ A, अमाउंट ऑफ A 2 है, कंसंट्रेशन ऑफ B 4 है, ठीक है,
और मैंने बोला कंसंट्रेशन ऑफ सी 8 है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, तो आप लिखोगे भाई सी की पावर 9, सी की पावर 9, ए की पावर 2, बी की पावर 4। अब सी की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 की पावर 9, बी की वैल्यू कितनी पुट करनी है 4, तो 4 की पावर 4 हो गया, और ए की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2, तो 2 की पावर 2 हो गया। ये बाय चांस मैंने ऐसे लिख दिया, समझ में आ गया, तो कंसंट्रेशन की पावर्स में आ जाएंगी, ये बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक और मैं क्वेश्चन आपको दूँ ऐसा, कि मैंने कहा मेरे पास कोई है ए, यहाँ पर है कोई बी, मुझे आंसर मिल रहा है एच, ठीक है, यहाँ मैंने बोला ये सॉलिड है, ये हमारे पास ये गैस है, ठीक है, और यहाँ पर ये मान लो ये गैस है हमारे पास, ठीक है, दिख रहा है आपको, सॉलिड लिक्विड गैस बोल दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान देना क्या मैंने कहा, ये 2 है, ये 11 ले लो, ये 5 ले लो। अब मैं आपसे बोलूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, तो आप लिखोगे एच की पावर 5, और नीचे देखो ये ख़त्म हो गया, सॉलिड के लिए लिखते नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया बी, बी की पावर 11, और जो भी वैल्यू दी हो पुट करना, आंसर आ जाएगा, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा अब हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ, देखो अगर आपको कभी क्वेश्चन में प्रेशर दिया हो मतलब ऐसे लिखा हो कि देखो प्रेशर ऑफ N2 इतना है, प्रेशर इतना है, तब कैसे करोगे, सेम कॉन्सेप्ट, आप लिखोगे KP, क्या लिखोगे आप, KP, आप लिखोगे प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन सा, NS3 का लिख दिया, इसकी पावर 2, रिएक्टेंट में कौन है, H2 की पावर 3, और N2 की पावर कितनी है, N2 की पावर 1। अब आपको दिया प्रेशर, प्रेशर पुट कर दो, प्रेशर ऑफ NS3 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, प्रेशर ऑफ H2 कितना है H2 1, तो 1 का क्यूब, प्रेशर ऑफ N2 कितना है N2 2, तो 2 की पावर 1 आ गया आंसर। तो आप इजीली KP भी निकाल सकते, इसको बोलते हैं हम KP, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वो था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन यानी अमाउंट, मोलैरिटी, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान दो, अब आप एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना कि इन दोनों में रिलेशन होता है, याद कर लो, ये ड्राइव करने के लिए बहुत ही कम आता है, देखो केमिस्ट्री में डेरिवेशन नहीं आती कभी भी, ठीक है, वैसे इनमें रिलेशन क्या होता है, देखो KP जो होता है ना, KP वो पुराने वाला KC और R × T और इसकी पावर डेल्टा एन जी। अब बोलो सर डेल्टा एन जी हमें नहीं आता, तुम्हें आता है, मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ, क्वेश्चन देखो, मैंने बोला देखो सुनो, लिखा है N2+3H2 गिव्स 2NH3, और मैंने कहा यहाँ पर ना इस रिएक्शन के लिए मुझे KC पता है, मुझे कंसंट्रेशन वाला कांस्टेंट पता है, मैंने बोला 40 है, कितना है 40. मैंने बोला 40 है KC, तो भाई KP फाइंड करके दिखा, तू पता क्या बोलेगा, तू बोलेगा बहुत सिंपल बात, तू बोलेगा मेरे को पता है, अगर मुझे KC पता है मैं KP निकाल सकता हूँ, कैसे, मैं बोलूँगा सॉल्यूशन के अंदर मुझे पता है KP क्या होता है, KP होता है KC जगह कितना पुट कर दो 40, R मुझे पता है 8.314, अरे R तो भाई गूंगे बैरों को भी पता होता है ये वाली बात, तो अरे ये तो 8.314 होता है R, गैस कांस्टेंट। अब बोलेगा क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया होगा, अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो हम मानते हैं रूम टेम्परेचर, क्या मानते हैं रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 298। अरे एक बात बताओ, उसने टेम्परेचर नहीं दिया इसका मतलब क्या, वो अपने घर में बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहा है, रूम टेम्परेचर है क्या है, तो टेम्परेचर लिख दिया मैंने। अब इन दोनों की पावर कितनी है, डेल्टा एन जी होता क्या है, प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल, और तुम्हें पता है गैस ही लेना है पूरे चैप्टर में, क्या लेना है गैस, तो प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल, तो प्रोडक्ट में कितना मोल है, क्वेश्चन को देखो, प्रोडक्ट में है 2, कितने मोल है 2, तो 2 लिखो, माइनस करो, रिएक्टेंट में कितने हैं 3 और 1 4, माइनस 4, तो इसको सॉल्व करना आंसर आ जाएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बात समझ में आ गया, KP = KCRT ΔNG, फटाफट आगे बढ़ते। अब मैं कहूँगा इसको रट लो, रटना नहीं है, दिमाग से लगाना, दिमाग तो रटना नहीं पड़ेगा, सुनो ये फॉर्मूला होता है KP = KCRT ΔNG। अब कह रहा है अगर ΔNG 0 हो जाए, यानी प्रोडक्ट का गैस मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला, अगर वो 0 आ जाए कभी, क्या जाए, जैसे इस केस में आ सकता है A से B, ये भी गैस हो ये भी गैस हो, तो क्या होगा, प्रोडक्ट है 1, रिएक्टेंट भी क्या है 1, तो 1 - 1 कितना आ गया 0। अगर ये 0 आ गया तो देखो KP और KC इक्वल हो जाएंगे, KP KC इक्वल, क्यों, ये 0 मतलब ये पूरा हट गया पूरा। अगर मैंने बोला ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये बढ़ जाएगा, ये अगर ये बढ़ गया तो KP बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके इक्वल है ना, मैंने बोला ये 100 आ गया, 500 आ गया, 1,00,000 आ गया, बड़ा वैल्यू आया, तो KP बड़ा हो जाएगा, KP जब ये ΔNG पॉजिटिव हो तो KP क्या हो जाएगा, बड़ा, और ΔNG नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव मतलब ये ना छोटा कर देगा वैल्यू को, क्या कर देगा, KP को छोटा कर देगा, तो KP क्या हो गया, छोटा, याद हो जाएगा, तो ये पक्का याद कर लेना, आएगा एग्जाम पे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान दो, इसको बोलते हैं रिएक्शन क्वेश्चन। ये होता क्या है भाई,
ये हमने ना क्या किया, हमने देखा एक रिएक्शन है, सुनो ये पहले काम क्या आएगा, सुनो काम आएगा हेल्प इन प्रिडिक्टिंग, मतलब प्रिडिक्टिंग क्या होता है, मतलब फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट है ना, एक संभावना, एक वो लगाना, प्रोबेबिलिटी, संभावना, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, ये किसके हेल्प से पता लगता है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, इसके हेल्प से, क्यूसी की हेल्प से, इसका नाम है रिएक्शन क्वेश्चन। क्या नाम होता है, रिएक्शन, ये होता क्या है, किसी भी टाइम पर, एनी टाइम, किसी भी टाइम पर, ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम का इंतजार कर रहे, रिएक्शन स्टार्ट किया, लगा दिया हमने ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कैसे लगाने, जैसे देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सेम प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे। अब इसको मैंने सॉल्व किया, इसको मैंने, और मैंने कहा देखो इसका जो वैल्यू है क्यूसी का वैल्यू, केसी क्या होता है पता ना आपको, केसी होता है इक्विलिब्रियम पर, पता ना आपको, मैंने कहा कि क्यूसी का वैल्यू कम है केसी से, मैंने स्टार्टिंग में कहीं कभी भी निकाल लिया क्यूसी, क्या निकाला, और उसकी वैल्यू केसी से कम आया, केसी से यानी केसी आगे है, अभी केसी दूर है, तो रिएक्शन मतलब आगे जा रहा होगा ताकि केसी को पा सके, बात समझ पा रहे हो। मैंने कहा जो क्यूसी है, क्यूसी जो मैंने निकाला था, जो वैल्यू मैंने निकाला था वो कम पड़ गया, सॉरी ज़्यादा पड़ गया, क्या पड़ गया, केसी से ज़्यादा, मतलब इक्विलिब्रियम पार कर चुका है, आगे जा चुका है, अब वो पीछे आएगा, क्या आएगा, पीछे आएगा, और जब दोनों बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम। एग्जांपल समझना, एग्जांपल देखो, मैंने कहा देखो देखिए क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन है इसका केसी है 400, केसी क्या है, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किस रिएक्शन, किस तरफ जा रहा है रिएक्शन, आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, तो आप बोलोगे देखो भाई पहले मैं क्यूसी निकालता हूँ, क्यूसी, क्यूसी निकाल लो यहाँ से, प्रोडक्ट कितना, प्रोडक्ट है आपका अमोनिया NH2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई N2, N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3। अब NH2 की NH3 जो भी है उसकी वैल्यू कितनी है, 20, 20 की पावर 2 है, यानी 20 इंटू 20, और नीचे क्या है, N2 कितना, N2 2, H2 कितना, H2 10, चलो काटते आंसर कितना आ रहा है, अच्छा पावर लगानी है इसकी, पावर इसकी, इसकी इसकी तो पावर नहीं लगेगी, इसकी लगेगी 1000 है ना। अब इसको सॉल्व किया मैंने, देखो 20 से 20 गया, 10 से 10 गया, 2/10 आंसर आया, कितना आया, 2/10 मतलब 0.2, यानी देखो क्यूसी बहुत कम आया, क्यूसी क्या आया, क्यूसी कम है मतलब हमने बहुत जल्दी लगा दिया फॉर्मूला, बहुत इक्विलिब्रियम दूर है, इक्विलिब्रियम 400 पर है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो इसका इस्तेमाल कर लोगे, क्यूसी क्या होता है, केसी क्या होता है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कर लोगे, ये तो बहुत लॉजिकल है, कम पड़ गया तो रिएक्शन को आगे जाना है, ज़्यादा पड़ गया तो पीछे आना है, फटाफट नोट कर लो फिर आगे बढ़ते। देखो इसकी डेरिवेशन नहीं है आपके 11th क्लास में, 12th में यूज़ होता है ये, ठीक है, अभी के लिए रट लोगे इसको, रट लोगे। देखो डेल्टा जी को बोल, डेल्टा जी रिलेशन बिटवीन क्यूसी, डेल्टा जी, डेल्टा जी नॉट, क्यूसी पता आपको रिएक्शन कोशियंट, डेल्टा जी पता है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट को बोलते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, जो डेल्टा जी होता है वो स्टैंडर्ड प्लस 2.303 आरटी लॉग क्यूसी, आरटी लॉग क्यूसी। अब समझना अगर इक्विलिब्रियम की बात है तो क्यूसी केसी के बराबर हो जाएगा और डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर ये हो जाता है जीरो, क्या जाता है, और यहाँ पर क्यू सी जगह पर क्या जाएगा, के सी, तो हमने देखो के सी लिख दिया, और जब इसको जीरो कर दोगे ना डेल्टा जी नॉट इधर आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, समझ पा रहे हो, इधर लागू तो एक में माइनस आएगा, माइनस, ठीक है, तो माइनस का 2.303 आर लॉग क्यू सी, क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, उसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, मैंने गलत पढ़ाया, भूल जाओ, कुछ भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन देगा बड़ा आसान, बोलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के सी, क्वेश्चन में देगा 40 कैसे देगा, 40 आर पता है तुम्हें, और टेम्परेचर देगा, बोलेगा बताओ डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, तो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत आसान, बच्चों का खेल, फटाफट लिख लो, और थर्मोडायनेमिक्स में भी ये है, ठीक है, फटाफट लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो आपको पक्का याद होने चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले, देखो अगर के सी की वैल्यू, जो भी के लिखा है मैंने उसकी वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा, 1 से, तो भाई स्पॉन्टेनियस होता है, क्या होता है, और स्पॉन्टेनियस का एक और मतलब होता है डेल्टा जी नेगेटिव, गिब्स एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा दूसरी बात ये, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो जाएगा, अगला क्या है, केसी अगर लेस देन 1 हुआ, लेस देन, इसका मतलब क्या है कि भाई वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, कम हो गया ना एक से, यानी कि डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये याद कर लो किसी भी हाल में, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, ली चैटरेल प्रिंसिपल। मेरे प्यारे बच्चों अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इक्विलिब्रियम से कुछ भी मत पढ़ो, ये पढ़ के जाओ 2 से 3 मार्क्स फिक्स है, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, ये आते हैं भाई, ये वाला तो आता है, ली चैटरेल वाला देखा भी होगा अपने एग्जाम में। अब ये क्या होता है, ये कहता है देखो अगर आपने डिस्टर्ब किया इक्विलिब्रियम को, कोई इक्विलिब्रियम चल रहा था बहुत मस्त, आपने डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब कैसे करोगे, टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, कुछ ऐड कर दिया, कुछ निकाल दिया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर कुछ भी चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो क्या चाहेगा, तो उसके बारे में बताया ली चैटरेल प्रिंसिपल ने। उसने बोला देखो दुनिया में हर कोई इक्विलिब्रियम चाहता है, इक्विलिब्रियम अगर किसी ने उसको धक्का दिया
जैसे बस में आप बैठे हुए हो, किसी की कोनी लग गई, आप ऐसे हो गए तो दोबारा ऐसे हो जाओगे ना, दोबारा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आओगे ना, बात समझ पा रहे हो? तो वही वाला बात यहाँ पर है। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो ये बंदा कहता है कि इक्विलिब्रियम या रिएक्शन अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि वो अपने अंदर चेंज को ख़त्म कर दे, जो चेंज अपने पैदा किया है। बात समझ पा रहे हो? अगर तुमने उसमें अमाउंट को बढ़ाया है तो घटा देगा, तुमने घटाया है तो बढ़ा देगा, मतलब अपने अंदर चेंज को नलीफाई करने का ट्राई करेगा, कोशिश करेगा। ये प्रिंसिपल, नलीफाई मतलब ख़त्म करना, ये प्रिंसिपल है ली चैटरल प्रिंसिपल, जो कहता है देखो रिएक्शन विल शिफ्ट इन सच अ वे इट विल ट्राई टू रिड्यूस और नलीफाई द चेंजेस। नलीफाई द, तू रिएक्शन बढ़ाएगा वो घटाएगा, तू अगर बढ़ाएगा मतलब तू अमाउंट डालेगा तो कम कर देगा। अभी क्वेश्चन में बताता हूँ बहुत सारे, ठीक है, बात समझ में आ गया? यानी कुल मिला के कंक्लूजन क्या है कि रिएक्शन विल गो इन सच अ डायरेक्शन इट विल ट्राई टू मिनिमाइज और इट विल ट्राई टू रिड्यूस द चेंजेस, रिड्यूस द और इट विल ट्राई टू नलीफाई द चेंजेस। जो भी आपने इसमें बदलाव किया उस बदलाव को खत्म करने के लिए अपोज करेगा, अपोज करेगा। यही है ली चैटरल प्रिंसिपल, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, ली चैटरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिएक्शन हमेशा अपोज करता है, अपोज ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम में अपने अंदर चेंज को नलीफाई करेगा, जीरो करने की कोशिश करेगा, चेंज को जो भी बदलाव हुए उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने N2 को बढ़ा दिया, N2 को अगर मैंने बढ़ा दिया इस रिएक्शन के अंदर, हम पढ़ रहे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ अमाउंट। अगर N2 को बढ़ा दिया तो रिएक्शन बोलेगा मैं N2 को घटाऊंगा, N2 को, और घटाने के लिए रिएक्शन को आगे करेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड। बात समझ में आ गया? तुमने N2 डाला, रिएक्शन बोलेगा तूने मेरे में बढ़ा दिया मैं घटाऊंगा, घटाने के लिए रिएक्शन को आगे भेज देगा, चल N2 तो आगे जा, मैं सेम चाहता हूँ पहले जैसा ही, तो N2 को आगे भेज दिया, रिएक्शन फॉरवर्ड। अब तुमने H2 को बढ़ाया, दोबारा वही केस, H2 बढ़ गया तो रिएक्शन बोलेगा नहीं भाई H2 मैं रख नहीं सकता, तू आगे जा, तो फॉरवर्ड। अगर तुमने NH3 को बढ़ा दिया तो NH3 अब रिएक्शन बोलेगा भाई NH3 तू मेरे में बढ़ गया, मेरा इक्विलिब्रियम खराब हो गया, तू घट जा, तू घटने के लिए इसको पीछे जाना पड़ेगा, पीछे, अरे टूटेगा ना पीछे ये, तो रिएक्शन बैक बढ़ क्या हो गया। तो अब इस बारे में देखो उल्टा केस, अब उल्टा, अगर तुमने N2 को घटाया, N2 को घटा दिया, रिएक्शन बोलेगा मेरे पे N2 कम हो गया, N2 मुझे N2 को बढ़ाना पड़ेगा, N2 को बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा, आगे से हेल्प लेनी पड़ेगी, यहाँ से N2 मांगेगा, यहाँ से N2, तो बैकवर्ड। अगर तुमने H2 को घटाया तो ये दोबारा हेल्प मांगेगा, बोलेगा भाई मेरा H2 घट गया तू मुझे दे दे, रिएक्शन क्या आ गया, बैकवर्ड। अगर तुमने NH3 को घटा दिया, NH3 कम हो गया, NH3 कम हो गया, रिएक्शन बोलेगा NH3 कम हो गया, ज़्यादा चाहिए क्या चाहिए, तो फॉरवर्ड, ऐसे मांगेगा, हेल्प मांगेगा इधर से कि भाई मुझे दे दे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा। अब पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, फिर आगे काम करते हैं। बेटा पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखो सुनो मेरी बात को समझो। अगर आपसे कोई बोलता है कि मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, तो ध्यान रखना एग्जाम में भी आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि रिएक्शन विल गो टूवर्ड्स वेयर इज कम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट, कम मतलब लेस नंबर ऑफ मोल्स। मुझे बताओ मैंने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, देखो यहाँ पर एक मोल, कितने यहाँ पर कितना, देखो एक और एक दो, तो मैंने बोला अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, कम नंबर यानी पीछे, एक की तरफ, बैकवर्ड। आंसर क्या आएगा यहाँ पर, बैकवर्ड। एक और क्वेश्चन दूंगा मैं, अगर मैंने बोला प्रेशर डिक्रीज किया तो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल की तरफ यानी रिएक्शन फॉरवर्ड, रिएक्शन के। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, फटाफट लिख लो दोस्तों। क्वेश्चन ऐसा आता है, सुनो क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हेवर्स प्रोसेस, क्या बोलते हैं, हेवर्स प्रोसेस, ठीक है, जितना मुझे नाम याद हो। तो बोलते हैं कि हेवर प्रोसेस से अमोनिया बनता है, क्या बनता है, N2 और H2 को मिलाते तो अमोनिया बनता है। अब बोला जाएगा कि बताओ ज़्यादा अमोनिया के लिए क्या करें, तो देखो अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाता है, कम मोल्स की तरफ, कम मोल्स मतलब देखो यहाँ पर कितने मोल्स हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ तीन है, इस तरफ है चार मोल्स, इस तरफ कितने मोल्स हैं, दो, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड मतलब अमोनिया ज़्यादा मिलेगा, अमोनिया यानी कि जब भी हमें अमोनिया का फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए, क्या चाहिए, तो हाई प्रेशर पर रिएक्शन करवाना पड़ता है। तो 300 ATM के आसपास रिएक्शन करवाते हैं हम, ठीक है, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, हेबर प्रोसेस में बहुत हाई प्रेशर पे काम होता है, क्यों, ताकि अमोनिया क्या मिले, ज़्यादा, क्यों, ज़्यादा प्रेशर पर कहाँ रिएक्शन जाता है, कम नंबर ऑफ मोल, और इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल कहाँ पर है, कम, इस तरफ, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अमोनिया हमें ज़्यादा मिलेगा। फटाफट नोट करो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, लिखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत कन्फ्यूजिंग है, किसी को नहीं आता, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो ट्रिक क्या है समझना, देखो
अगर आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बोले तो सबसे पहले क्वेश्चन से पूछना तो एंडो है कि एक्सो, एंडो है कि अब क्वेश्चन बोलेगा नहीं, वो चुपके से लिख देगा डेल्टा एच पॉजिटिव, क्या लिख देगा पॉजिटिव का मतलब क्या हीट देना पड़ रहा है एंडोथर्मिक, क्या हो जाएगा तो पहचान क्या है डेल्टा एच पॉजिटिव लिख देगा। एक्सो का मतलब होता है हीट निकला है, यानी हीट बाहर की तरफ है प्रोडक्ट की तरफ, तो डेल्टा एच क्या लिख देगा वो नेगेटिव, ये तो पहचान हो गई। अब सुनो, अगर तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया यानी यहाँ की चीज़ को बढ़ाया तो रिएक्शन कहाँ जाएगा आगे फॉर, अरे यहाँ का बढ़ाओगे तो आगे जाएगा ना। अच्छा अब एक्सो में क्या होगा, अगर तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया तुमने तो अब ये चीज़ बढ़ गया तो रिएक्शन पीछे जाएगा। अरे जब इधर का बढ़ता है तो आगे जाता है, उधर का बढ़े तो पीछे आता है, बात समझ में आ गया। यानी एंडो में हमने याद कर लिया टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड होता है, एंडो में टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड होता है, एंडो में टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड होता है, याद हो गया। अब आइडेंटिटी, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बोला है डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच क्या हो गया पॉजिटिव का मतलब क्या ऐसा हो गया एंडो, तो अपने आप यहाँ पर तो तुम हीट लिख दो, एंडो मतलब रिएक्टेंट में हीट होगा, रिएक्टेंट में क्या होगा। अब बोल रहा है टेम्परेचर बढ़ाया यानी यहाँ का चीज़ बढ़ाया, यहाँ का बढ़ाया ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड। अब बोल रहा है टेम्परेचर को बढ़ाया और डेल्टा एच क्या लिखा है, अरे डेल्टा एच नेगेटिव लिखा है मतलब एक्सो, एक्सो मतलब हीट कहाँ पर है, यहाँ पर हीट बाहर निकला है प्रोडक्ट में है, हीट कहाँ पर है। अब बोल रहा है कि अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को तो यहाँ की चीज़ बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ आएगी पीछे, अगर इसको बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या आएगी पीछे, पीछे मतलब बैकवर्ड, क्या हो जाएगा बैकवर्ड, है ना। यानी बात समझ पा रहे हो, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मिक्सचर है टूट जाएगा, मिक्सचर किसका मिक्सचर टूट जाएगा, पानी का और ऑक्सीजन का, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी है और प्लस क्या है H2O ऑक्सीजन है, क्या है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से पानी के अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हाई टेम्परेचर पर मछलियाँ मर जाएगी, क्यों, हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे मिक्सचर के अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन तो पानी तरफ तरफ मछली तरफ तरफ के मर जाएगी। इसलिए कहते हैं कि मछली जो है लो टेम्परेचर पे रहना पसंद करती है, कोल्ड वाटर में, एक्वेटिक स्पीसीज फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में क्या होगा सोचो, इसका उल्टा हो जाएगा ना, हॉट वाटर में ऑक्सीजन गायब हो रहा है तो कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन आएगा, क्या बात समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट टॉपिक इसमें देखो, ली चैटरेल प्रिंसिपल में इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, भाई कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट ना कैटलिस्ट सिर्फ स्पीड को बढ़ाता है, स्पीड को, तो देखो उसने स्पीड बढ़ाया आगे तो पीछे ही बढ़ा देगा, अरे रिएक्शन आगे भी जा रहा है पीछे भी आ रहा है इक्विलिब्रियम पे, ये इक्विलिब्रियम है देखो इक्विलिब्रियम, अब वो बढ़ा रहा है तो दोनों को बढ़ाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, इफेक्ट कैटलिस्ट स्पीड को बढ़ाता है पर स्पीड आगे भी बढ़ेगा तो पीछे ही बढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव गैस, नोबल गैस, क्या हो गया ये नोबल गैस, जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, अबे नॉन रिएक्टिव गैस डालोगे तो क्या कौन सा इफेक्ट आएगा, कोई इफेक्ट आएगा क्या, जनरली कोई इफेक्ट नहीं होता अगर नोबल गैस डालोगे, नॉन रिएक्टिव गैस डालोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला इक्विलिब्रियम पे जनरली, फटाफट लिख लो इसे फिर आगे बढ़ते। तो मेरे बच्चों अभी चैप्टर थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा 15 से 20 मिनट में। अब सुनो अगला है एसिड बेस कॉन्सेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट सुनो। तो अरहीनियस कॉन्सेप्ट आया, फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, फिर लुईस कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे इन्हीं से, ठीक है। अब अरहीनियस ने क्या बोला, जो H प्लस दे दे एक्वस सॉल्यूशन में एसिड होगा, जो H प्लस दे एक्वस यानी पानी के अंदर वो एसिड होगा, जैसे HCl, HCl में H प्लस मिल सकता है ना पानी के अंदर तो ये एसिड होगा क्या। अब उसने बोला जो OH माइनस दे एक्वस में पानी के अंदर वो बेस होगा, जैसे NaOH को पानी में डालोगे तो वो OH माइनस देगा, क्या देगा OH-. फिर आया ब्रॉन्स्टेड, उसने क्या बोला जो H प्लस दे, कुछ नहीं बोला कहाँ दे, पानी में दे कहाँ दे, उसने सिर्फ बोला जो H प्लस दे वो होगा हमारा एसिड, क्या होगा हमारा, जैसे HCl H प्लस दे सकता है तो एसिड है। और इसने उल्टा यहाँ पर क्या बोल दिया, देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पर इसने बोला OH माइनस देगा पर इसने उसका अलग से बोल दिया, उसने क्या बोल दिया जो H प्लस ले, जो H प्लस दे रहा है वो एसिड, जो H प्लस ले रहा है वो बेस। फिर आगे आया कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन का, लुईस ने कॉन्सेप्ट क्या दिया, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, जो इलेक्ट्रॉन को खाए वो एसिड और जो इलेक्ट्रॉन दे वो बेस। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है पर याद करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन खाए वो एसिड, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो बेस। देखो BF3 इसके तीन बॉन्ड है, चार बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन खाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन खाएगा ना तो ये एसिड हो गया। AlCl3 कितने बॉन्ड है, तीन बॉन्ड,
चार बॉन्ड के लिए एक और सीएल खाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन खाएगा, दो इलेक्ट्रॉन खाएगा, तभी तो आठ होंगे ना। तो ये भी क्या हो गया एसिड, FeCl3। इसके पास कितने बॉन्ड है, तीन, एक और बॉन्ड के लिए खाएगा, तो ये भी क्या हो गया एसिड। पर अमोनिया देखो NH3 के ऊपर इलेक्ट्रॉन होता है तो दे सकता है ये, लाइक पानी के अंदर, पानी भी बेस की तरह बिहेव कर सकता है, पानी के पास भी खाली इलेक्ट्रॉन होता है, Cl के पास भी खाली इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी कैसा बिहेव कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके पास हो, जो दे सकता है वो क्या होगा, बेस। क्या बात समझ में आ गया, बताओ एनिलीन, एनिलीन पढ़ा ना आप लोगों ने, NH2, ये भी एक बेस ही है, क्या ये बात समझ पा रहे हो। अमाइन देखो CH3NH2 अमोनिया पे, नाइट्रोजन पे दो होता है ना, तो ये भी क्या है, बेस। जिस जिसके पास इलेक्ट्रॉन दिखाई दे वो लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, और जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं है, वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। जैसे मैंने बोला सीएल पॉजिटिव, मान लो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। लुईस एसिड जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, कमी होगी तभी तो एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएंगे लुईस एसिड, क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएंगे बेस, और इलेक्ट्रॉन रिच हो तो वो बेस कहलाएंगे। बात समझ में आ गया, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। मैंने एग्जांपल आपको लिखा है पर बताया नहीं, देखो जो एच प्लस को ले वो बेस होगा, तो अमोनिया का होता है बेस, जो एच प्लस ले एक्सेप्ट करे वो बेस होगा, ठीक है। फटाफट इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, अब टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्लस माइनस से जुड़े हो। जैसे मैंने बोला देखो NaCl, Na प्लस Cl माइनस, ये इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट में आयोनिक बॉन्ड होता है जनरली, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड जैसे मैंने बोला ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COO-H+, ये सारे क्या इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स दो प्रकार के होंगे, एक को बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक को बोलते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। वीक जो ना टूटे पूरी तरह, जो पूरी तरह ना टूटे उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो पूरी तरह टूट जाए, उल्टा चल रहा है यहाँ पर, वीक का मतलब हम समझते हैं जो टूट जाए, पर यहाँ उल्टा है, वीक का मतलब है जो पूरी तरह ना टूटे, और स्ट्रांग का मतलब है जो पूरी तरह टूट जाए। अगर पूरी तरह टूट गया तो इक्विलिब्रियम बनेगा ही नहीं, क्यों, आपने डाला टूट गया, पूरा रिएक्शन आगे चला गया, पीछे आ ही नहीं पाया, पूरा टूट गया ना तो पीछे आ पाएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होता है, इक्विलिब्रियम हमेशा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा आप सुनो, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर वीक एसिड, क्या लिखा है टॉपिक का नाम, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर वीक एसिड। देखो हमें पता है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, चाहे एसिड चाहे बेस चाहे कोई भी, वीक ही होगा, कैसा होगा, वीक। तो हमने एक वीक एसिड लिया CH3COH, आपको पता है एसिटिक एसिड होता है वीक, क्या होता है, वीक, एसिटिक एसिड वीक होता है CH3COH, टमाटो वाटर में मिलता है ना ये, स्ट्रांग होता गला जल जाता, स्ट्रांग नहीं होता गला नहीं जलता है ना, तो वीक एसिड है। तो देखो हम क्या मानते हैं कि मान लो कोई एसिड है वो टूट गया H+ में और बाकी CH3CO- में, स्टार्टिंग में तो ये इसका अगर मान लो अमाउंट है C, इसका कंसंट्रेशन कितना है C, तो इनका अमाउंट क्या होगा, जीरो। इक्विलिब्रियम जब आया होगा तो मान लिया मैंने इसके अंदर से निकला C into अल्फा, C होता है कंसंट्रेशन, अल्फा होता है टूटना, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ, तो हमने बोला C अल्फा यानी कि कंसंट्रेशन इंटू टूटना, तो C अल्फा मान लो इतना अमाउंट टूटा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा C अल्फा। अब इक्विलिब्रियम लगाओ, इक्विलिब्रियम कहता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है C अल्फा इंटू C अल्फा, रिएक्टेंट क्या है C माइनस C अल्फा, यहाँ से C कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा, C से C कट गया C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट हो गया एक तरह से ना एसिड के लिए। अब याद रखना इसको, अगर डिसोसिएशन बहुत छोटा हो, क्या बोला मैंने, डिसोसिएशन बहुत छोटा है, टूटा बहुत ही कम है, आपको पता है वीक वो होता है जो टूटे ना, तो अगर बहुत कम टूटा है तो मैं अल्फा को जीरो कर सकता हूँ, तो अल्फा जीरो करूँगा तो ईजी फार्मूला बन जाएगा ये, ठीक है। अब देखो एसिड के लिए ये है तो बेस के लिए बस के भी लिख देंगे, ये कहलाएगा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर बेस, बस समझ में आ गया। तो छोटी सी बात थी, यहाँ से आप जो मर्जी निकाल सकते हो, याद रखना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है, कंसंट्रेशन इतना है, तो के ए बताओ, के भी बताओ, तो इसलिए निकाल लोगे, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, लिखा है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर पॉलीप्रोटिक एसिड, क्या नाम है, पॉलीप्रोटिक मतलब जिसके अंदर बहुत सारे एच हो, बहुत सारे। तो देखो एक बार मैं तोड़ रहा हूँ, पहली बार तोड़ रहा हूँ तो एक एच निकलेगा, दो एच बचेगा, H2PO4-, एक माइनस आया, एक प्लस निकला, एक माइनस आया। तो मैंने कहा इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो है K1, क्या है, जब भी कुछ टूटता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट वो है K1। अगली बार मैंने इसी को तोड़ा, H2 वाले को उठाया और इसको तोड़ा, पॉलीप्रोटिक है और एक बार और टूट सकता है, तो एक बार और टूटा तो यहाँ पर बचा एक एच और दो माइनस आ गया, क्यों, दो एच निकल चुका है इसके अंदर से, एक ऊपर एक नीचे, दो माइनस आ गया। इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2। अगली बार मैंने इसको एक और बार तोड़ा, इसको उठा के तीन बार तोड़ सकते हैं ना, तीन बार,
तो पहली बार तोड़ा, ये दूसरी बार तोड़ रहा हूँ, अब ये लास्ट बार देखो, तो H प्लस निकल गया, ये तीन बार निकल चुका है, तीन बार माइनस थ्री आ गया, इसके लिए K3 क्या है? अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके मिलेगा हमें K टोटल क्या मिलेगा। और ध्यान रखना पहली बार का सबसे ज़्यादा होता है टूटना, सोचो पहली बार टूटना कितना आसान है, दूसरी बार टूटना और मुश्किल, तीसरी बार टूटना और मुश्किल, तो सबसे ज़्यादा टूटेगा कौन? पहला। तो डिसोसिएशन वाला आंसर सबसे ज़्यादा किसका होगा? पहले का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। फटाफट इसको नोट करो, फिर पीएच का स्टार्ट करेंगे हम। पीएच मेरे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन छोटे मोटे न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन देखो कुछ बातों आपको याद रखना पड़ेगा, पूरा यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। सुनो, पी का मतलब होता है जनरली माइनस लॉग, और यहाँ पर खाली जगह, क्या होता है? खाली जगह। अगर मैंने लिखा एच, क्या लिखा? एच, तो मुझे यहाँ पर एच प्लस का अमाउंट लिखना है। पी एच, पी ओ एच लिख दिया मैंने यहाँ पर, देखो खाली जगह है ना, खाली जगह ओ एच, तो यहाँ पर खाली जगह पर क्या आ गया? ओ एच। यहाँ लिखा मैंने पी के ए, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड, या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड, तो यहाँ पर लॉग क्या आ गया? माइनस लॉग के, क्या गया यहाँ पर? के। अगर मैं लिखता हूँ के बी, तो माइनस लॉग के बी, मतलब पी का मतलब ये होता है बस जो यहाँ पर ऐड करूँगा मैं वो यहाँ पर आप ऐड कर देना, ठीक है। मैंने बोला के डब्ल्यू, ये है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, क्या पानी भी टूटता है ना, एच प्लस ओ एच माइनस में टूटता है ना पानी, तो ये डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, तो मैंने लिखा पी के डब्ल्यू, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू। और क्या याद करने वाली बात है? देखो आपको पता है जब पी एच और ओ एच को ऐड करेंगे, मतलब एसिड और बेस हो, तो 14 आता है, पता ना पी एच स्केल पे, जीरो से लेके 14, बीच में होता है 7, 7 के बाद बेस, 7 से पहले एसिड। मैंने बोला पी एच है 3, क्या है, क्या समझोगे? एसिड। मैंने बोला पी ओ एच है 12, बेस। बात समझ पा रहे हो? अच्छा छोटी छोटी बातें हैं तो। अच्छा अब सुनो, जब एसिड और बेस को ऐड करते हैं ना, पी के ए और पी के बी को, तो मैथमेटिकली जब इसको ऐड करोगे तो पता क्या मिलेगा? पी के डब्ल्यू के बराबर मिलेगा। किसके मिलेगा? पी के डब्ल्यू के बराबर। तो पी के ए यानी पी के ए मतलब एसिड का कॉन्स्टेंट, बेस का कॉन्स्टेंट, इक्वल टू किसके आएगा जो ऐड करने पे? वाटर के कॉन्स्टेंट के बराबर। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है कि पी के ए इतना है, पी के बी इतना है, पी के डब्ल्यू क्या होगा बता दोगे? इन दोनों में से दो दे देंगे, एक गायब कर देंगे। बस बात, दो दे के एक गायब कर देंगे, उसमें भी एक देंगे दो, एक को गायब कर देंगे, तो कर लोगे इसलिए। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते दोस्तों। मोस्ट अमेजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉमन आयन इफेक्ट, एक मिनट में समझाता हूँ। देखो आपके पास कोई एसिड था, वो टूटा पड़ा था, दिख रहा है आपको टूटा हुआ। अब आपने क्या किया, उसमें कोई डाल दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे HCl डाल दिया। क्या डाल दिया आपने? HCl डालने से क्या हुआ देखो, जैसे यहाँ पर देखो पहले क्या था सॉल्यूशन के अंदर, पहले था CH3CO- और बगल में क्या पड़ा हुआ था? H प्लस। तुमने HCl डाला तो HCl से जो H प्लस है वो भी अंदर आ गया, क्या गया? अब मेरी बात को समझना, अब तुमने क्या किया, इस पूरे सॉल्यूशन में H प्लस को दुगना कर दिया, H प्लस को बढ़ा दिया, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। सोच पहले यहाँ पर एक एच प्लस था, तुमने ऊपर से एक और डाल दिया, इधर का बढ़ गया, तो रिएक्शन पीछे जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर कॉमन आयन क्रिएट कर देते हैं, रिएक्शन बैकवर्ड जाता है, इसी को बोलते हैं हम कॉमन आयन इफेक्ट। लिख लो डेफिनेशन में, व्हेन इन अ रिएक्शन, ठीक है ना, लिख लो, इतना टाइम नहीं है कि मैं वेस्ट करूं, अब इसको लिख लो इंग्लिश में, ठीक है ना, कि किसी में अगर हम कॉमन कर दे आयन को तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ चला जाएगा, जिससे क्या होगा हमारा बताओ? रिएक्शन पीछे बैकवर्ड जाएगा, उसी के इफेक्ट को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन है NH4OH है हमारे पास, यानी NH4 प्लस OH माइनस। अब इसमें हमने क्या डाल दिया? क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द रिएक्शन, व्हाट विल हैपन टू द इफ NH4Cl इज एडेड। NH4Cl इज, देखो NH4 कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, NH4 प्लस कॉमन होगा, रिएक्शन बैकवर्ड, खत्म क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कॉमन आयन वाले, फटाफट आप पढ़ेंगे हम। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, फिर वो KSP पढ़ेंगे फटाफट। बेटा आंसर आएगा कि रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा और कुछ भी नहीं होने वाला इसमें। तो दुनिया का सबसे इजी टॉपिक जिसको बोलते हैं हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। पहली बात, आप बचपन से पढ़ रहे हो सॉल्ट बनता कैसे, सॉल्ट कैसे बनता है जब एसिड और बेस को मिलाते हैं, तो हम भाई सॉल्ट बना रहे हैं सॉल्ट, तो सॉल्ट कैसे बनाना है एसिड और बेस को मिला के। तो पहले मैंने पता क्या मिलाया, पहले मैंने वीक एसिड मिलाया, क्या मिलाया? और स्ट्रॉन्ग बेस। देखो एसिड और बेस को मिलाना है, पर वीक एसिड भी तो होता है और स्ट्रॉन्ग बेस भी तो होता है, तो पहले हम वीक एसिड को मिला रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, दोनों को मिला रहा हूँ। देखो दोनों को मिलाया, स्ट्रॉन्ग बेस होता है पता आपको NaOH, ये वीक एसिड होता है एसिटिक एसिड जो टमाटर में होता है। दोनों को मिलाने से क्या होगा बताओ? दोनों से मिलाने से क्या होगा? देखो ये बन गया CH3CO-
Na प्लस, और प्लस माइनस वाला क्या होता है बताओ, प्लस माइनस वाला क्या होता है, सॉल्ट, क्या होता है, तो मैंने सॉल्ट बना लिया, क्या बना लिया, तो पहले हमें देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी डालना, क्या डालना, पानी, तो पहले मैंने सॉल्ट को बनाया, सॉल्ट को बनाया, फिर इसमें डाल दिया मैंने पानी, क्या डाल दिया, अब जैसे मैं पानी डालूंगा पानी, ये माइनस वाला क्या करता है, माइनस वाला क्या पानी के एच को ले लेगा, पानी को एच को लेके ऐसा बन जाएगा, अरे माइनस एच को ले लेगा ना, तो पानी के अंदर से क्या निकल जाएगा, ओ एच माइनस, क्या मिल जाएगा, ओ एच माइनस। अब मुझे बताओ अगर ऐसे 25-30 बार 1,00,000 बार रिएक्शन हुआ तो पूरे पूरे बीकर में जो भी हमने सामान जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं क्या उसमें ओ एच माइनस भर जाएगा, ओ एच माइनस, ओ एच माइनस, ओ एच माइनस, और ओ एच माइनस क्या होता है, बेस, क्या होता है, यानी सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, और अल्कली बोलते क्या बोलते हैं, बेसिक को क्या बोलते हैं, हम अल्कली, तो हमने क्या याद कर लिया, ये बात हमने याद कर लिया, इसको रट्टा मार लेना कि जब भी हम ऐसे याद कर लो, जब स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो आंसर भी बेसिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस डाला ना हमने तो आंसर क्या हो गया, बेसिक यानी अल्कली हो गया, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, फटाफट नोट करो फिर आगे। अच्छा इसको बोलते हैं अनायनिक, क्या बोलते हैं, अनायनिक, ये अनायन है ना, अनायन, बात समझ में आ गया, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे बच्चों हमारा टारगेट है बार बार सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यानी हमें सॉल्ट को बनाना है और पानी डालना है, सॉल्ट को बनाना है और पानी। सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड को बेस से मिलाते हैं, तो पहली बार मैंने लिया था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है सबको पता होता है, ठीक है। अगला देखो, अगली बार मैंने क्या लिया, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl, सबको पता होता है, और वीक बेस होता है NH4OH, सबको पता होता है, ये नहीं पता तो याद करो भाई, क्या कर सकते, होता है तो होता है ना। अब देखो इन दोनों को मिलाएंगे तो पता है हमें, जब एसिड को बेस से मिलाऊंगा सॉल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन सा सॉल्ट मिलेगा, देखो NH4+ यहां के Cl- को खा जाएगा। अब देखो जब पानी डालेंगे पानी, तो ये प्लस वाला क्या करता है, ये प्लस वाला इसके माइनस को खींचेगा, माइनस मतलब OH-। अरे पानी के अंदर क्या होता है यार, OH-H+ होता है ना, तो इसके OH- को ये प्लस वाला खींच लेगा, NH4OH बन जाएगा, और बाहर क्या निकलेगा बताओ, H+। OH तो चला गया, तो H+, तो बहुत सारे H+ इकट्ठा हो जाएंगे, तो पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा, एसिडिक। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, एसिडिक। तो ध्यान रखना, जब स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा, और इसको बोलते हैं हम कटायनिक, क्या बोलते हैं, तो ये हो गया एक तरह से कटायनिक। पूछे कि कटायनिक किस में होगा, जब हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ठीक है, याद रखना, एक लास्ट केस है, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का लास्ट टॉपिक देखो, अगर हमने मिलाया वीक एसिड और वीक बेस, दोनों ही वीक हो गए, दोनों क्या हो गए, अब दोनों एक जैसे, दोनों क्या है, तो मान लो यहाँ से सॉल्ट बना भी, क्या बोला मैंने, मान लो सॉल्ट बना भी, तो जो सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल होगा, क्यों होगा, क्योंकि जितना एसिड का पावर है उतना ही क्या है, बेस का पावर है, बिल्कुल न्यूट्रल सा आएगा ऑलमोस्ट। और जनक ना यहाँ पर प्लस क्रिएट होगा कि माइनस, दोनों क्रिएट हो सकते हैं, अनायनिक भी बन सकता है और कटायनिक भी बन सकता है, जो बन रहा था ना एक बार H+ बन रहा था, एक बार OH-। इसमें देखो एक बार H+ ही बन सकता है और एक बार OH- ही बन सकता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहेगा, ध्यान रखना छोटी सी बात, ठीक है, फटाफट फिर आगे हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस टॉपिक के लास्ट पे हम पहुंच गए हैं, इसके बाद 2 मिनट का टॉपिक और है, बफर सॉल्यूशन, यहाँ पर एग्जाम में आएगा, हमें न्यूमेरिकल नहीं करना होता, जितने भी हमने टॉपिक पढ़े सिलेबस में हमारे न्यूमेरिकल नहीं है इस बार, इससे पहले भी एलिमेंट्री आइडिया है सिंपल, तो देखो इस पे न्यूमेरिकल वैसे भी नहीं आता क्योंकि लॉग वॉग यूज़ होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, आपको बस डेफिनेशन याद करके जाना है। बफर सॉल्यूशन क्या है, भगवान ने हमें गिफ्ट दिया, हमारे शरीर को एक गिफ्ट दिया, हमारे ब्लड को एक गिफ्ट दिया, उसका नाम है बफर सॉल्यूशन। कैसे, देखो आप बाहर जाते हो, आपका मन किया कि भाई चलो मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ या नींबू पानी पी लेता हूँ, नींबू एसिडिक होता है पता है, मेरा मन किया मैंने 4 टमाटर खा लिया, टमाटर एसिडिक होता है, तो क्या मेरा ब्लड एसिडिक होता है, मैंने एसिड लिया तो मेरा बॉडी कैसा होना चाहिए, ब्लड कैसा होना चाहिए, एसिडिक, पर नहीं होता है। मैंने बेस खाया बाहर से, खट्टा खाया, गोलगप्पे खाए, पर मेरा बॉडी जो है वो बेसिक नहीं हुआ, बेसिक क्यों, क्योंकि भगवान ने हमें एक ताकत दी है, एक शक्ति दी है, हमारे ब्लड में एक चीज़ डाला जिसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन, क्या डालते हैं, तो बफर सॉल्यूशन हमारे ब्लड में भगवान ने बनाया है, तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन विच रजिस्ट, मतलब रोकना, क्या मतलब इसका, रोकना, जो रोकता है द चेंज इन पीएच, हमारी बॉडी का पीएच चेंज होने नहीं देता, हमारी बॉडी एक प्रकार से न्यूट्रल है ना, बिल्कुल ना एसिडिक है ना, तो अगर तुमने एसिड खा लिया तो एसिडिक हो जाना चाहिए, पर नहीं होता, क्यों, भगवान ने जो गिफ्ट दिया है हमारे ब्लड में उसका नाम क्या है, बफर सॉल्यूशन, जो हम एसिड खाएंगे तब भी रोक देगा, बेस खाएंगे उसको तब भी रोक देगा, लेकिन कम अमाउंट में, ये नहीं सुबह शाम एसिड भगवान कहेगा चल तेरी है, ठीक है,
तो सुनो, तो सॉल्यूशन विच रजिस्ट द चेंज इन पीएच वैल्यू व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस इज एडेड. जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, जैसे ब्लड, ब्लड भी हमारा और यूरिन, ये दोनों कैसे होते हैं हमारे बफर सॉल्यूशन. क्या होते हैं? कुछ बफर सॉल्यूशन हमने भी बनाए. हमने कैसे कैसे बनाया भाई, याद रखना पड़ेगा. देखो एसिडिक बफर, क्या ये? तो एसिडिक बफर में हम पता क्या लिखते हैं, देखो बफर है एसिडिक. बफर कैसा है? तो आपको वीक एसिड लेना है, क्या लेना है, और क्या लेना है, उस वीक एसिड में क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस. वीक एसिड में क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस. सुनो दोबारा, देखो ये एसिडिक बफर है. क्या ये एसिडिक बफर? कैसा बफर है ये एसिडिक बफर? एसिडिक बफर बनता किससे है? वीक एसिड से, और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. तो देखो वीक एसिड को जब स्ट्रॉन्ग बेस में ऐड करोगे ये मिलेगा, ये मिलेगा, क्या मिलेगा, ये. तो मैंने लिख दिया है, जब वीक एसिड को सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओगे, ये पता क्या, देखो ये सॉल्ट है, क्या ये सॉल्ट, ये बना कैसे है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से. तो ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी एक वीक एसिड ले रहा है, फिर उसका सॉल्ट लेना है, क्या लेना है, सॉल्ट, रट्टा मारना है कुल मिला के. तो जो बफर मिलेगा उसको बोलते हैं एसिडिक बफर. क्या बोलते हैं भाई? देखो मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, मैं इसमें ट्रिक बना सकता हूँ पर बना ले रहा हूँ, आप समझ जाओगे ना, ट्रिक नहीं बना रहे, थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाना हो जाएगा. अगर देखो अगला बफर कौन सा होता है, अगला होता है बेसिक बफर. कैसा होता है? तो बेसिक बफर, बफर कब बनेगा, जब बेस लेंगे. क्या लेंगे? वीक बेस लिया, यहाँ भी वीक बेस लिया पर स्ट्रॉन्ग एसिड, उसमें उल्टा था, उसमें हमने लिखा था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें क्या ले रहे हैं हम, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड. तो देखना ये क्या है, ये वीक बेस है और ये क्या है, सॉल्ट है. क्या है? सॉल्ट है, किसकी वजह से, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ऐसे को बोलते हैं हम बेसिक बफर सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं? और ये होते क्या है, जो किसी बेस को अगर हमने खाया तो उसको अपनी बॉडी को बेसिक होने नहीं देगा, किसी एसिड को खाया तो एसिड नहीं होने देगा बॉडी को. अब हमारे पास एक लास्ट है, ये है न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन. क्या है न्यूट्रल? क्या होता है, जब वीक एसिड और वीक बेस को मिलाते हैं तो न्यूट्रल होता है. क्या होता है? वीक एसिड और बेस को मिलाएंगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन बनेगा. ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दो मिनट में खत्म कर दूंगा फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. क्या बोलते हैं इसको? ये बताने वाला है कौन कितना सॉल्युबल है और कौन कितना सॉल्युबल नहीं है. जैसे कि हम देखो एक चीज लिए, हमने उसको पानी में डाल दिया, तो वो कितना घुलेगा कितना नहीं घुलेगा इस कॉन्सेप्ट से पता लगता है. तो हमने देखा कि भाई ए बी नाम का कोई चीज़ है, वो टूट गया ए प्लस बी माइनस में. तो इसका अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा बताओ? ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन, कुछ भी नहीं है तो बस ऐसे लिख दिया. अगर ए बी टू टाइप का कुछ हुआ, ए बी टू, तो ए एक बार है, बी कितनी बार है, दो बार, ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगी टू. कितनी आ जाएगी पावर? टू. बात ध्यान रखना, ठीक है. और ये भी ध्यान रखना अमाउंट कितना, जैसे यहाँ पर दो है ना, इस बार मैं बताऊंगा आपको फ्यूचर में, क्वेश्चन की हेल्प से बताएंगे, ठीक है. तो देखो यहाँ पर अगर ए बी थ्री हुआ तो ए प्लस तीन बी, तो पावर कितना आएगा? तीन. अगर ए टू है बी थ्री है तो टू और ये थ्री. पावर, अभी पावर सीखो पावर, बाकी कॉन्सेप्ट अभी अगले क्वेश्चन में आएगा कि कैसे क्या है. के एस पी निकालना सीखा, के एस पी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. क्या बोलते हैं? जो बताने वाला है इन फ्यूचर, इसकी हेल्प से हम पता लगाने वाले हैं कौन कितना सॉल्युबल है कौन कितना सॉल्युबल नहीं है. जैसे ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है मैंने करवाया आपको. देखो क्वेश्चन कहता है, देखो ये एग्जांपल 7.27 है, कहता है देखो एक है हमारे पास NiOH ट्वाइस और एक है AgCN, क्या है, और दोनों का KSP दे रखा है. क्या दे रखा है? KSP. इसका भी KSP दे रखा है 6×10⁻⁷, और कहता है बताओ विच सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल. अगर मैं इसको पानी में डालूं और इसको पानी में डालूं तो ज़्यादा कौन घुलेगा, ज़्यादा कौन घुलेगा. तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने दिमाग ये लगाया, देखो मैंने दिमाग क्या लगाया, पहले मैंने एक सॉल्ट लिखा इधर, जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ वही स्टेप फॉलो करना है. मैंने लिख दिया NiOH ट्वाइस, ये कैसे वाला है, AB2 वाला है ना, ये A और ये B2, तो इसको लिख दिया Ni प्लस, इसको लिख दिया 2H माइनस. मैंने बोला देखो अगर ये अकेला है तो इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी सॉल्युबल होना अगर S है, सॉल्युबिलिटी क्या है, S फॉर सॉल्युबिलिटी. तो ये दो है ना दो, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, 2S. क्या होगी? 2S. तो मैंने यहाँ पर लिखा KSP होता क्या है, इस वाले का Ni वाले का S, 2H वाले का 2S, और यहाँ पर पावर भी तो लगानी पड़ेगी 2. हम इक्विलिब्रियम में करते थे ऐसा कि अगर इसने एक मोल दिया तो वो दो मोल लेगा, ऐसा कर चुके हम. ये 2S है, क्या है ये 2S, ध्यान रखना. तो यहाँ से मैंने फिर इसका सॉल्युबिलिटी सॉल्व किया. S4 क्या होता है, सॉल्युबिलिटी. S4 क्या होता है, कि हमने बोला Ni प्लस S है सॉल्युबिलिटी, OH माइनस का भी 2S हो जाएगा.
क्योंकि दो गुना है ना यार वो। अब देखो जब इसको हमने सॉल्व किया ऐसे, आगे बढ़ते, जब इसको हमने सॉल्व किया कि एस पी इज इक्वल टू एस इंटू टू एस टू, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे फोर एस क्यूब आएगा, देखो टू का स्क्वायर फोर, एस स्क्वायर और एक एस, यहाँ से एस निकाला तो एन सी आर टी में सॉल्यूशन से मैंने देखा है ये, मैंने किया नहीं, 0.58 10 की पावर माइनस फोर। अब मैंने कहा ठीक है इसका मैंने सॉलिबिलिटी निकाल लिया, सॉलिबल होने की औकात निकाल ली इसकी, अब उसकी औकात निकालूंगा और दोनों को बाद में क्या करूंगा कंपेयर। तो मैंने ए जी सी एन को लिखा, किसको लिखा ए जी सी एन को लिखा, इसका सॉलिबिलिटी एस है तो इसका भी क्या होगा एस, दोनों वन वन है, अगर इसका वन एस होगा तो इसका भी क्या होगा वन एस, और बाई चांस पावर भी दोनों का वन है, पावर भी क्या है वन, तो ये एस स्क्वायर हो गया एस, और के एस पी दिया हुआ था क्वेश्चन में, यहाँ से मैंने सॉलिबिलिटी कंपेयर किया तो कितना आ रहा है 7 × 7.8 × 10⁻⁹, और यहाँ पर ये आ रहा है। तो अब मुझे ये बताओ क्या इन दोनों से क्या पता लगता है, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू क्या है कम है, तो ये कम सॉलिबल होगा, ए जी सी एन कम सॉलिबल होगा, यानी सॉलिबिलिटी निकाल के हम पता लगा सकते हैं कौन ज़्यादा सॉलिबल है और कौन कम सॉलिबल है। अब फटाफट फिर एक सेकेंड रुक जाओ बस, फिर हम ख़त्म कर रहे हैं इस चीज़ को। देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, जैसे आपने पढ़ा था ना, एक था आपका क्या था के सी था, क्या था एक, और एक था क्यू सी, वैसे यहाँ पर भी है कुछ। देखो अगर कभी के एस पी से ज़्यादा है आ जाए के आई पी, क्वेश्चन में लिखा होगा के आई पी, क्वेश्चन में दिया होगा के आई पी इतना है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा के आई पी लिखा होगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर के आई पी ज़्यादा है ना तो प्रेसिपिटेशन होगा, क्या होगा पी पी टी फॉर्म होगा। आपने डाला कोई चीज़, आपने कोई चीज़ डाला किसी सॉल्यूशन के अंदर और नीचे जाके वो जम गया, नीचे जाके तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, पी पी टी, क्या बोलते हैं उसको, नीचे जाके जम जाता है वो। तो कब कब जमेगा बताओ, जब आपका के एस पी कम पड़ जाए, सॉलिबिलिटी वाला कम हो, सॉलिबल होना, अब वो सॉलिबल वाला हिस्सा कम हो गया तो घुलेगा नहीं और घुलेगा नहीं जम जाएगा, घुलेगा नहीं वो जम जाएगा। अगर अगर आपका सॉलिबिलिटी वाला ज़्यादा है, सॉलिबिलिटी वाला क्या है ज़्यादा है, तो प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं, घुलता रहेगा प्रेसिपिटेशन, जमेगा नहीं। लेकिन अगर दोनों बराबर हुआ तो हम बोलेंगे सैचुरेशन आ चुका, क्या चुका है सैचुरेशन। अब सैचुरेशन का वर्ड मीनिंग आप सर्च मार सकते हो, समझ जाओगे सैचुरेट होना, जैसे इक्विलिब्रियम में समझ पा रहे हो, अरे सैचुरेशन का मतलब होता है कि ना ज़्यादा घुल रहा है ना ज़्यादा टूट रहा है, बिल्कुल सैचुरेट हो गया, बात समझ में आ गया, ना घुल रहा है ना जुड़ रहा है, ये मतलब होता है। जैसे अगर डालेंगे तो घुलेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गया, बिल्कुल मस्त हो गया है। तो ये छोटी छोटी बातें मुझे डिटेल में नहीं बताने को मिला, पर ये मोर देन इनफ है, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। तो अगर तुम समझ में आ गया सबको बढ़िया से, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, एंजॉय योर डे।